ईरानी शहरियत में शहीद 28 पाकिस्तानी जारीन की मैयत वतन पहुंचा दी गई। 6 मैयत कनकोट मुंतकिल शबाजे बेचकबाबाद पर नमाज जनाजा अदा की गई। सूबाई सिर तवनाई से नासर हुसैन शाह ने मैयत वुसा के हवाले की। 3 जारीन की मैयत और 2 जख्मियों की कराची मुंतकली। बेशतर जख्मी चांद का अस्पताल लाकाना मुंतकिल। सालार काफिला सैयद अतहर को ईरानी हुकूमत ने यस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया। अतहर शमसी पर हमेशा के लिए ईरान दाखिले पर पाबंदी। टूर ऑपरेटर लाइसेंस भी मुअत्तल किए जाने का इम्कान। छुट्टी के बाद घर आ रहे थे, दहशतगर्दों ने हम पर बस चला दिए। वो घात लगाए बैठे थे। सानिया माशकर के जख्मी पुलिस अहलकारों की बोलनी से गुफ्तगू कहा कि हमने भागकर अपनी जानें बचाई, हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। हमले से पहले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में कीचड़ में फंसी गाड़ी के बाहर मौजूद अहलकारों को खड़े देखा जा सकता है। नईम यार खान में डाकुओं के हमले में शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिविल अस्करी हुकाम शोहदा के अहल खाना और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शहीद जवानों को सलामी पेश की। सदर वजीर आजम और वज़ीर आला की जानिब से हमले की मुसम्मत। हमले में 12 पुलिस अहलकार शहीद हुए। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलिम बशीर शर हलाक, बशीर शर के 5 साथी जख्मी। IG पंजाब पुलिस का कहना है कि तमाम मुलजमान को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस शोदा को तमखाए शुजात देने का ऐलान। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में जख्मी पुलिस अहलकारों की अयादत। खैरियत दरियाफ्त की मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके अजम और हौसले को सराहता हूँ, जिन्होंने ये दहशत गर्दी की ऐने अंजाम तक पहुँचाएंगे। वजीर आलम मरीम नवाज ने खतरनाक डाकू के सरों की कीमत 25 लाख से 1 करोड़ रुपये मुकर्रर कर दी। कहा शहादत में मुलव्वित दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। DP और रहीम यार खान, SP और DSP को अहदे से हटा दिया गया। और सरगोधा में मोटरवे पर खड़ी कार से एक ही खानदान के 4 अफराद की लाशें मिली। रेस्क्यू काम के मुताबिक रास्ते में सबने डब्बे वाला जूस पिया। जांबाग होने वालों में 1 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। कार ड्राइवर उमर कासिम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। फैमिली लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी। बलवाल के करीब अचानक सब बेहोश हो गए, जिस पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कार के शीशे तोड़कर लाशों को बाहर निकाला गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।